सो व्यूअर्स, बहुत दिन बाद आप लोग के सामने आया हूँ। ठीक है, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के पास शेयर करूँगा। ठीक है, स्पेशली जो लॉ इंटर्न है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कोर्ट जाते हैं विजिट करने के लिए या इंटर्नशिप के लिए, तो उन लोगों को फ्रेंड क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करना चाहिए या सीखना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड एज ए लॉ इंटर्न आप लोगों को फर्स्ट क्या करना चाहिए, जिस भी कोर्ट पे आप लोग जा रहे हो फ्रेंड, उन कोर्ट का हायरार्की निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट का हायरार्की निकालो। मान लो आप सिलीगुड़ी पे जा रहे हो इंटर्नशिप के लिए, सिलीगुड़ी कोर्ट पे, तो सिलीगुड़ी कोर्ट का फ्रेंड हायरार्की निकालो। कितने प्रकार के कोर्ट है कोर्ट रूम में, उनका पूरा डिटेल्स बाहर करो। ठीक है, उनके बाद फ्रेंड कौन सा कोर्ट में कौन प्रकार का फाइल होता है, केस फाइल होता है, उनको देखो। मान लो जूनियर डिवीजन है, सिविल जज जूनियर डिवीजन में, तो उन कोर्ट पे क्या प्रकार का केस फाइल होता है उनको, मतलब कि रिसर्च करो। ठीक है, मान लो फ्रेंड सिलीगुड़ी कोर्ट पे है 14 या 13 कोर्ट रूम, एंड उनकी 13 कोर्ट रूम पे क्या क्या प्रकार का केस फाइल होता है, कौन का किसका कोर्ट का क्या पावर है, ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन है, उनका डिटेल्स निकालो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड सीजीएम कोर्ट है, ठीक है, तो सीजीएम कोर्ट का काम क्या है, ठीक है, उनका पावर क्या है, ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, इन सब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च करके आपको अपने कॉपी पे लिखना पड़ेगा, इसी करके सारे कोर्ट का आपका पावर, ज्यूरिस्डिक्शन, ये सब रिसर्च करना पड़ेगा। देन फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट का बाहर मतलब कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, मतलब कि लॉ क्लर्क किधर बैठता है, लॉ क्लर्क क्या है, लॉ क्लर्क का काम क्या है, डिफरेंस क्या है लॉ क्लर्क एंड लॉयर का, डिफरेंट क्या है एडवोकेट का, डिफरेंट क्या है, इन सारी चीज़ को आप लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ क्लर्क और एडवोकेट का डिफरेंट आप लोगों को पता चल गया। देन फ्रेंड लॉयर बार क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, ये सब आप लोगों को सीखना पड़ेगा। देन फ्रेंड ये सब जब आप लोग सीख ले होगी, देन आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, कोर्ट रूम में जो आर्गूमेंट होता है उधर आप लोगों को बैठना पड़ेगा पर डे 30 या 40 मिनट करके। ठीक है, एक काम करो आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, देन अगर आप लोग ये भी स्टेप कंप्लीट कर लिया, देन फ्रेंड आप सीनियर के पास जाओ, उठ बैठ करो। ठीक है, उन लोग जब क्लाइंट से बात करते हैं उनके पास रहो। ठीक है, जब आप उनके पास रहोगे, जब क्लाइंट से बात करते हैं उन लोग, तो आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, देन जो छोटा मोटा काम देता है उन काम करो आपका सीनियर का। ठीक है, इनसे आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, देन आस्ते आस्ते आप लोग ऑब्जर्व करो पूरा। ठीक है, आउटसाइड कोर्ट पे क्या क्या काम होता है, इनसाइड कोर्ट पे क्या क्या काम होता है। ठीक है, देन फ्रेंड धीरे धीरे ड्राफ्टिंग का काम सीख लो। ठीक है, रेगुलर कोर्ट जाया करो, जो सीनियर बताता है वो आप अच्छे से निभायो, मतलब कि अच्छे से पालन किया करो। कोई भी क्वारी हो सीनियर से पूछ सकते हो, ठीक है, बता देगा, गूगल से रिसर्च कर सकते हो, ये सब करो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, रेगुलर कोर्ट जाया करो। तो आप लोगों को मैंने क्या बोला, एट फर्स्ट आप लोगों को कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने के बाद फ्रेंड कोर्ट का हायरार्की निकलना है, कौन सा कोर्ट पे कौन सा काम होता है, ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, पावर क्या है, पूरा आप लोगों को रिसर्च करना है। ठीक है, देन फ्रेंड कोर्ट का बाहर, कोर्ट रूम का बाहर क्या होता है, ये सब आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। लॉ क्लर्क किधर बैठता है, लॉ क्लर्क का काम क्या है, डिफरेंट बिटवीन लॉ क्लर्क एंड लॉयर, ठीक है, उनका प्रोसीजर क्या है, सब ये सब मतलब कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा आप लोगों को पूरा कोर्ट का ऑफिस पहचानना है। ठीक है, मान लो सीजीएम कोर्ट है, उनका ऑफिस किधर है, ठीक है, ऑफिस का काम क्या है, ठीक है, केस का रिकॉर्ड किधर मिलता है, ये सब मतलब कि पूरा आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका सीनियर जिधर भी जाता है उनके पास जाओ, उनके साथ जाओ। ठीक है, इनसे आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, आपका सीनियर जिधर जाता है उधर जाओ, जिस टाइम अगर ना भी बुलाए तो फिर भी चले जाओ उनके साथ। ठीक है, तो अगर ठीक है ऐसे ही किए करो, आप बहुत अगवा जाओगे, क्योंकि मैं ये पूरा स्टेप ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। ठीक है, एज ए लॉ इंटर्न, ऐसे मतलब कि आप फर्स्ट टाइम कोर्ट विजिट करने जा रहे हो, तो ये सब बेसिक चीज़ सीखो, देन आप लोगों को इजी होएगा समझने में चीज़। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कोई
नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।